हेलो स्ट्रेन मैं हूं निहाल यादव और स्वागत करता हूं सभी का जीपीएल एकेडमी के, के इस यूट्यूब चैनल में स्टूडेंट आज की इस वीडियो हम लोग बी यानी बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग के मैकेनिकल पार्ट को पढ़ने वाले हैं इसमें हम लोग चैप्टर नंबर वन स्टार्ट किया था हमने थर्मल इंजीनियरिंग जिसका पार्ट वन वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर रखा हूँ जाकर आप उसे वहाँ से देख सकते हो पार्ट वन में मैंने आपको सिस्टम बताया था सराउंडिंग बताया था और बहुत सारी चीज़ें बताया था जीरो तला बताया था तो बता दो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल सकता है जाकर आप वहाँ से देख सकते हो तो आज हम पढ़ेंगे एनर्जी क्या होती है हम बता दो स्टूडेंट आपको मैंने आपको तो पढ़ा दिया था जीरोतला यानी कि का सुनने वाला क्या है इसे मैंने आपको पढ़ा दिया था तो आज हम लोग तो पढ़ने वाले स्टूडेंट एनर्जी क्या होती है ऊर्जा किसे कहते हैं ऊर्जा क्या होता है दोस्त बता दो तो, ऊर्जा क्या होती है ऊर्जा किसे कहते हैं स्टूडेंट कार्य करने की क्षमता क्या कार्य करने की क्षमता एनर्जी कहलाती है कार्य करने की क्षमता क्या करती है ऊर्जा कहलाती है ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है जैसे विद्युत ऊर्जा को यहां देखिए ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है आई होप आप लोग समझ गए क्या होता है ऊर्जा एनर्जी किसे कहते हैं स्टूडेंट एनर्जी क्या होती है बता दो आपको एनर्जी किसे कहते हैं स्टूडेंट एनर्जी एक प्रकार की एक ऊर्जा होती है कार्य करने की जो एनर्जी उन्हें बता दो स्टूडेंट आपको ये क्या है कार्य करने की क्षमता क्या कराती है हमारी एनर्जी कराती है ऊर्जा कराती है और ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में क्या कहते हैं चेंज कर सकते हैं बदल सकते हैं जैसे इसमें आप विद्युत ऊर्जा जानते हो विद्युत ऊर्जा क्या कहते हैं हम लोग जनरेटर चलाते हैं तो हमें विद्युत ऊर्जा मिलती है तो हम क्या होती है विद्युत ऊर्जा को हम क्या करते हैं आंतरिक ऊर्जा में प्रयोग करते हैं ठीक है आगे पढ़ेंगे हम लोग इसके परम्परागत ऊर्जा इसके दो प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं एक होता है परम्परागत एक होता है अपरम्परागत तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे परम्परागत परंपरागत ऊर्जा क्या होती है तो बता दो स्टूडेंट परंपरागत ऊर्जा क्या होती है यानी कि कन्क्वेंटल सोर्स ऑफ एनर्जी यानी कि कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होती है स्टूडेंट वह ऊर्जा जिनका उपयोग हम काफ़ी समय से करते आ रहे हैं तथा प्रकृति में इनके सीमित भंडार होने के कारण इनमें शीघ्र समाप्त होने की संभावनाएँ होती हैं उसी का हम लोग परम्परागत ऊर्जा कहते हैं क्या होता है परम्परागत ऊर्जा क्या होती है स्टूडेंट किसी का हम लोग वह ऊर्जा क्या स्टूडेंट परम्परागत ऊर्जा किसे कहते हैं वह ऊर्जा जिनका उपयोग हम काफ़ी समय से करते आ रहे हैं तथा तो प्रकृति में इनके सीमित भंडार होने के कारण अत्यधिक होने के कारण ये शीघ्रता से समाप्त हो रहे हैं जैसे कोयला हुआ गैस हुआ तेल हुआ नाभिकीय ऊर्जा इसे कहते हम लोग परम्परागत ऊर्जा कहते हैं जानते हैं अपम्परागत ऊर्जा किसे कहते हैं स्टूडेंट अपरम्परागत ऊर्जा क्या होती है तो वह ऊर्जा जो हम कुछ समय से पहले कुछ समय पहले से ही प्रयोग में ला रहे हैं उन्हें अपरम्परागत ऊर्जा कहते हैं यानी कि वे ऊर्जा वे ऊर्जा जो हम कुछ समय पहले से प्रयोग में ला रहे हैं उसे कहते हैं हम लो लोग अपरंपरागत ऊर्जा कहते हैं जैसे सोलर एनर्जी टाइटन एनर्जी पौन ऊर्जा ठीक है आगे आते हैं हम लोग सोलर एनर्जी क्या होती है यानी कि सूर्य ऊर्जा क्या होती है सोलर एनर्जी जानते हैं आई होप पिस्टो आप लोगों ने सोलर देखा होगा तो हम आपको सोलर एनर्जी क्या होता है स्टूडेंट सोलर एनर्जी किसे कहते हैं सूर्य से प्राप्त ऊर्जा और सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को कहते हैं हम लोग सोलर एनर्जी कहते हैं जो हमें सूर्य से प्राप्त होती ऊर्जा उसे, उसे हम लोग क्या कहते हैं उसे हम लोग सोलर एनर्जी कहते हैं सोलर ऊर्जा कहते हैं पृथ्वी पर सूर्य की सूर्य की उष्मा पृथ्वी पर सूर्य की ऊष्मा ऊर्जा वैध चुंबकीय किरणों के रूप में सीधे पहुंचती है सूर्य सूर्य से लगभग एक क्या दशमलव चार आठ दसा ऊर्जा क्या ऊर्जा प्रति घंटा निकलती है सूर्य से निकलने वाली यह ऊर्जा संपूर्ण संपूर्ण क्या संपूर भंडार में फैलती है आई होप आप लोग हो, हमारी ऊर्जा ये? ये एक इक्विपमेंट है ठीक है क्या होता है, ये क्या लगा? हमारा सन है एक सूरज है इससे क्या हो रही है हमारी? एनर्जी आ रही है नीचे ये हमारे सोलर पैनल पर पड़ती है जब एनर्जी तो यहाँ से हम क्या करते हैं विभिन्न प्रकार से हम लोग एनर्जी को अपने जब सूर्य से एनर्जी आती है उसे अगर हम लोग सोलर पैनल पर लगाते हैं सोलर पैनल जब आती है तो क्या होती है हमारी बैटरी में उसे स्टोर करते हैं एनर्जी को और फिर हम लोग उसे क्या करते हैं अपनी लाइट और जला लेते हैं जो कुछ करना होता है हमें वहाँ से करते हैं ठीक है थीक? ये होती है सोलर एनर्जी यानी सोलर ऊर्जा क्या होती है ठीक है आप समझ गए होगा सोलर एनर्जी की उपयोगिता क्या है सबसे पहले हमारी प्राकृतिक क्रियाएँ होती हैं जैसे फर्स्ट है आपका इसमें ऊर्जा का सीधा प्रयोग शरीर में विटामिन डी को पहुंचाता है सूर्य के प्रभाव से ही हवाएं चलती हैं तथा वर्षा होती है सूर्य के किरणों से उष्मा प्राप्त होती है और प्राकृतिक क्रियाएं क्या हैं विभिन्न युक्तियों विभिन्न युक्तियों द्वारा उष्मा प्राप्त की जा सकती है सूर्य की उष्मा से शक्ति शक्ति का उत्पादन किया जा सकता है इसको उपयोग जानते हैं इसके क्या क्या यूजेज हैं उसे जानते हैं यूज किया स्टैंड इसका प्रयोग सोलर कुकर सोलर वाटर हीटर सोलर हीटर सोलर इन्वर्टर सोलर पंप सिस्टम आदि में प्रयोग किया जाता है जानते हैं टाइटन एनर्जी क्या होती है यानी कि हमारी ज्वार ज्वार ऊर्जा किसे कहते हैं टाइटन एनर्जी किसे कहते हैं सूर्य के प्रभाव के कारण समुद्र में ज्वार उठते हैं क्या सूर्य के प्रभाव कारक होती है समुद्र में ज्वार उठते हैं उच्च एवं निम्न ज्वार के तलों के अंतर द्वारा वह ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है जिस स्थान पर जिस स्थान पर भी, भी ज्वार ज्वार और समुद्र तल का अंतर न्यूनतम पाँच मीटर तक रहता है वह विद्युत शक्ति का उत्पादन किया जा सकता है वहाँ क्या होता है विद्युत शक्ति का उत्पादन किया जा सकता है आई होप समझ रहे हो गे नए फिर समझा आपको देखो यानी कि सूर्य के प्रभाव के कारण समुद्र में, में ज्वार उड़ते हैं आप जानते हो कि जो जो सूर्य के प्रभाव के कारण क्या होती है समुद्र में ज्वार उठते हैं निम्न क्या उच्च निम्न ज्वार के तलों के अंतर द्वारा यह ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है जिस स्थान पर भी यह ऊर्जा समुद्र तल के अंतर न्यूनतम पाँच न्यूनतम पाँच मीटर तक रहता है वहाँ क्या होता है विद्युत शक्ति का उत्पादन किया जा सकता है आई होप आप तो लोग समझ गए जानते हैं तो टाइटन एनर्जी के क्या क्या लाभ हैं इसके क्या यूजेज हैं तो इसके लाभ क्या है हमारी लाइफ में हमारे जीवन में ये जानते हैं तो फर्स्ट सबसे पहला लाभ क्या हमारा आपको बता दें सबसे फर्स्ट है इसमें प्रदूषण नहीं होता है इसमें क्या होता है प्रदूषण नहीं होता है कम खर्च पर शक्ति को प्राप्त किया जा सकता है आवश्यकता अनुसार बड़े तथा छोटे बिजली घर बनाए जा सकते हैं जटिल उपकरण जटिल उपकरण तथा तकनीकी की आवश्यकता नहीं पड़ती है आगे बढ़ते इसके हान जानते हैं इसके हानि में दोस्त है हानि है ज्वार आने पर ज्वार आने का समय तीव्रता प्रतिदिन बढ़ती रहती है इस तरह से हमारा चैप्टर नंबर वन थर्मल एनर्जी का क्या थर्मल इंजीनियरिंग का जो हमारा चैप्टर वन था इसका वन पॉइंट वन क्या होता है वो खत्म होता है अगली वीडियो हम लोग वन पॉइंट टू पढ़ेंगे इसमें हम लोग लुब्रिकेंट के बारे में पढ़ेंगे फ्यूल के बारे में पढ़ेंगे कम्बक्शन के बारे में बारे में पढ़ेंगे ठीक है स्टूडेंट तो बता दो आज की इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं बट पहले हम आपको बता दें हमारे एक वीडियो को हमने एक बैच लॉन्च किया है क्या मैंने एक बॉय बैच लॉन्च किया जिसका नाम है बैच का नाम क्या है स्टूडेंट तांडो एक मैंने बैच लॉन्च किया जिसका नाम है बैच का नाम तंडो इस बैच में आप सभी को सेकेंड सेमेस्टर के आठ सब्जेक्ट के नोट्स पीडीएफ सब कुछ दिए जा रहे हैं तो क्या क्या मिलेंगे इस हमारे इस कोर्स में सबसे पहले हमारे इस कोर्स में मैं क्या दे रहा हूं आपको मैं बता दूं दोस्त इस कोर्स में आपको हैंड रिटेड नोट्स मिलेंगे आल सब्जेक्ट के पिछले पाँच साल के पेपर आपको मिलेंगे गेस पेपर मिलेंगे मॉडल पेपर मिलेंगे आपको आल बुक की पी मिलेगी बुक टेक्निकल सब्जेक्ट हो या नॉन टेक्निकल हो सभी बुक की पी आपको मिलेंगी स्टूडेंट नेक्स्ट आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे हर एक सब्जेक्ट के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे लाइव क्लासेस मिलेंगे गोल्ड की पी मिलेगी हर एक सब्जेक्ट के आपको सॉल्व पेपर दिए जाएंगे इतना ही नहीं आपको और सारी चीज़ें दी जाएगी वह है स्पेशल आपको टेलीग्राम पर क्विज कराई जाएगी जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन कराए जाएंगे तो स्टूडेंट अगर आप मेरे इस बैच से जुड़ना चाहते हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो नाइन थ्री सिक्स नाइन वन एट थ्री फाइव जीरो सेवन पर कॉल करके आप हमारे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो और हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टूडेंट मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाय बाय जय हिंद टेक केयर